कोरोना के दो साल बाद पूरे देश में दीपावली की धूम देखी जा रही है। बाजारों में रंग बिरंगी लाइट्स के साथ लोगों का उत्साह दिख रहा है। सुरक्षा को देखते हुए जगह जगह पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। गया में कई स्थानों पर की जा रही है महाकाली की पूजा, जिसमें मां का भव्य स्वरूप देख श्रद्धालु आकर्षित हो रहे हैं। बता दें कि पूजा स्थल पर सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या के दीपोत्सव में पहली बार शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लगभग 17 लाख दिए जलाकर एक नया कीर्तिमान बनाया गया। अयोध्या अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ ही अब पर्यटकों की पसंद बनती जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 6 महीने में ही लगभग 2 करोड़ से अधिक पर्यटक आ चुके हैं। श्री राम मंदिर निर्माण कार्य के साथ ही परिसर में ही 6 ऋषियों के मंदिर भी बनाए जाएंगे। इनमें महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त और संत तुलसीदास के साथ साथ निषाद राज की मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। देश में सबसे पहले महाकालेश्वर मंदिर में दीपावली मनाई गई। गर्भगृह में अन्नकूट का आयोजन कर बाबा महाकाल को 56 भोग लगाए गए। उज्जैन में पुजारी परिवार की महिलाओं के द्वारा भगवान महाकाल को अव्यंग स्नान कराया गया। भस्म आरती के अलावा संध्या आरती में भी फुलझड़ियां जलाई जाएंगी। उज्जैन स्थित महाकाल लोक की तर्ज पर अब मंदसौर में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके लिए कवायद भी शुरू कर दी गई है। कल लगने वाले सूर्य ग्रहण के दौरान महाकाल मंदिर के गर्भगृह को श्रद्धालुओं के प्रवेश के लिए बंद रखा जाएगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद पूरे मंदिर के शुद्धिकरण और पूजन आरती के बाद ही श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाएगा। महाकाल मंदिर परिसर में बनी नई धर्मशाला को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस धर्मशाला में भक्तों के लिए हर सुविधा का ध्यान रखा गया है। देवघर का पेड़ा देश की चौहद्दी लांघकर अब ग्लोबल हो चुका है। अब विदेश के लोग भी यहां के पेड़े के स्वाद के दीवाने हो गए हैं। इसी क्रम में बहरीन से 50 किलो पेड़े का ऑर्डर आया है, जिसकी पहली खेप भेज दी गई है। अयोध्या में मां कामाख्या भवानी मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिसमें करीब 25 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यहां आसपास के वन क्षेत्र को भी दुधवा नेशनल पार्क की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। गोरखपुर की रामगढ़ झील में लोगों को अब श्रीनगर की डल लेक में चलने वाली शिकारा और गोवा में चलने वाली मिनी क्रूज जैसा आनंद उठाने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने इसको लेकर कवायद भी शुरू कर दी है। अमृतसर स्थित गोल्डन टेंपल में दीपावली की धूम देखी जा रही है। आपको बता दें कि गोल्डन टेंपल की दीपावली खास होती है, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ देखी जा रही है। राजस्थान में नाथद्वारा अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उभरने लगा है। यहाँ विशेष आकर्षण का केंद्र है भगवान शिव की 369 फीट ऊंची मूर्ति, जिसने दुनिया भर में एक अलग पहचान बनाई है। 6 नवंबर को इसका लोकार्पण किया जाएगा। मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके लिए तैयारियां तेज गति से चल रही हैं। आपको बता दें कि आदि गुरु शंकराचार्य की बाल्य स्वरूप की मूर्ति लगाई जाएगी। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 15 लाख से ज्यादा भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। 27 अक्टूबर को मंदिर का कपाट बंद कर दिया जाएगा। कानपुर स्थित आनंदेश्वर मंदिर में जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है, जिसमें पहले फेज में 6 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य किया जा रहा है। बता दें कि कुल 25 करोड़ रुपए की लागत से कॉरिडोर का निर्माण कार्य होना है। अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन पॉलिसी में बदलाव किया जाएगा, जिसमें पर्यटकों की सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होगा। महाकुंभ को लेकर संगम नगरी प्रयागराज में तैयारियां तेज हो गई हैं। मुंबई के नरीमन पॉइंट की तर्ज पर गंगा किनारे रोड का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें लगभग 700 करोड़ रुपए खर्च होंगे।